दूध मांगोगे तो खीर देंगे और अच्छी कहानी मांगोगे तो चीर देंगे। भाई ऐसे ही घिसे पिटे डायलॉग सुन के आ रहा हूं। बड़े मियां छोटे मियां देखी है मैंने और मेरी आत्मा एकदम एक घंटा सड़े हुए तेल में फ्राई किए हुए आलू की तरह सड़ गई है। लेकिन ये फिल्म उतनी सड़ी और घिसी पिटी नहीं है। हाँ कहानी बेकार है, डायलॉग्स बेकार हैं, लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार हैं, टाइगर श्रॉफ हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन हैं, विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर हैं, अलाया एफ भी हैं। फिल्म की कहानी जान लीजिए। वैसे तो कहानी में बताने को कुछ खास है नहीं, तो स्पॉइलर जैसी कोई बात ही नहीं है। अब बड़े मियां छोटे मियां हैं तो जाहिर है एक मिशन होगा और उसे वो पूरा कर ही लेंगे। मतलब भैया यहां एक हीरो मिलके कर लेता है, दो दो तो मतलब क्या ही कुछ कर लेंगे। और यहां पाकिस्तान को उस तरह से यूज नहीं किया गया है जैसे पिछली कुछ फिल्मों में यूज किया गया था। यहां पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी ले आए हैं। अब यार दो हीरो हैं तो दो देश डालने पड़ेंगे ना। पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म को एक अलग ही एंगल देते हैं, वो फिल्म के मेन विलन है। और अक्षय कुमार को बड़े टाइम बाद एक्शन अवतार में देखकर मजा आता है। टाइगर श्रॉफ का तो ये जोनर ही है और टाइगर श्रॉफ ने भी अच्छा काम किया है। इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स हैं उनमें कहीं कहीं तो हंसी आती है क्योंकि डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, और कहीं कहीं हंसी आती है कि अबे यार थोड़े ढंग के डायलॉग लिख लेते यार। मतलब बिल्कुल ही एकदम नौसिखिया टाइप डायलॉग लिखे हुए हैं, वही दूध मांगोगे तो खीर दूंगा टाइप्स वाले। मानुषी छिल्लर को देख के मुझे बहुत मजा आया। वो एक्शन जब करती हैं तो एक कन्विक्शन दिखता है और इस फिल्म को देख के मुझे लगा कि भाई ये बंदी जो है ना ये आगे जाने वाली है। अलाया एफ ने बड़ा डिफरेंट तरह का रोल किया है, बड़ा स्टूपिड सा कैरेक्टर है उनका, बड़ा इंटेलिजेंट भी है। स्टूपिड और इंटेलिजेंट एक साथ कैसे आ सकते हैं ये अपने बॉलीवुड में ही हो सकता है। फिल्म जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन अलाया एफ का काम भी अच्छा है। रोनित रॉय जमे हैं, वो कमाल के एक्टर हैं, यहां भी वो दिखाते हैं। अली अब्बास जफर का जो डायरेक्शन है वो बड़ा एवरेज है, स्क्रीन प्ले और बेटर होना चाहिए था। स्टार पावर को अली अब्बास जफर उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाए। फिल्म शूट बहुत ग्रैंड तरीके से हुई है, फिल्म का एक्शन इंटरनेशनल लेवल का लगता है, लेकिन स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट में फिल्म कहीं ना कहीं मार खा जाती है और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। डायलॉग्स और बेटर होने चाहिए थे, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो केमिस्ट्री है उसे और अच्छे से बिल्ड किया जाना चाहिए था तो ये फिल्म और कमाल की होती। पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग भी जबरदस्त है। हालांकि द गोट लाइफ देखने के बाद पृथ्वीराज को इस तरह के रोल में देखकर मुझे उतना मजा नहीं आया, लेकिन अगर द गोट लाइफ को साइड पे रख के ये फिल्म देखी जाए तो पृथ्वीराज विलन के लेवल को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं। देखिए कुल मिलाकर ये ठीक ठाक फिल्म है। अक्षय, टाइगर, पृथ्वीराज के फैंस को देखकर मजा आएगा। पृथ्वीराज को लिया भी इसीलिए गया है कि भाई साउथ की मार्केट को भी टैप किया जा सके। और अगर ये फिल्म देखनी है तो दिमाग फ्रिज में रखकर जाइएगा क्योंकि दिमाग लगाने वाली फिल्म नहीं है। एक्शन देखने के शौकीन है तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारा एक्शन है, बहुत जबरदस्त एक्शन है। ईद की छुट्टियां हैं, देखना चाहें तो देख लीजिए, बाकी नहीं भी देखेंगे तो OTT और TV पर ये फिल्म आ ही जाएगी, तब देख लीजिएगा, कुछ बहुत महान मिस नहीं करेंगे। लेकिन इस फिल्म की स्टार पावर और इसके एक्शन को देखते हुए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार्स।